औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में अमृत पेयजल योजना का मुख्यमंत्री ने ई लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में धार के विधायक नीना वर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष कविता वैष्णव और भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय वैष्णव सहित नगरपालिका कर्मचारी, अधिकारी, पार्षद, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मुख्य रूप से मौजूद रहे। प्रदेश की सबसे बड़ी नगरपालिका कहे जाने वाली औद्योगिक नगरी पीथमपुर में आज अमृत पेयजल योजना का ई लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। माँ नर्मदा का शुद्ध पानी अमृत जल योजना के तहत पीथमपुर में लाया गया है। इस योजना में 87 करोड़ 69 लाख रुपए अभी खर्च हो चुके हैं। अब पूरे औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर माँ नर्मदा का शुद्ध जल घर घर पहुँचेगा। वहीं अब माँ नर्मदा का पानी आने से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। बचाव कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। और अभी हमारी जो परेशानी होती थी पहले लाने की, तो वो सभी खत्म हो गई है। हमारा समय भी बच जाता है, शारीरिक कष्ट भी होता है। तो हम तो पानी की तरफ से बहुत सुखी और एवं शांति और सुखी हो गए, बहुत खुश मिल रहा है। सब रहने खुश है जी। और सभी महिलाओं के लिए मातृ की शक्ति ओर से पीथमपुर नगरवासियों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ भाई साहब। नहीं, आपको भी लेकर जो आज कार्यक्रम हुआ, इसके दौरान क्या बातें कही और आगे और विकास के बारे में क्या बताया माननीय शिवराज सिंह चौहान? ठीक है, जरूर उस पर ध्यान देंगे। कविता वैष्णव जी भी बैठी है, नगर पालिका की अध्यक्ष के रूप में काम किया है। क्या सफाई की व्यवस्था ठीक चल रही शहर में? हाँ भाई साहब, आपको
बहुत बहुत नमस्कार सभी सभी नगर राष्ट्रों की तरफ से नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा काम चल रहा है, स्वच्छता भी अच्छा चल रहा है और वहाँ नर्मदा की कृपा से जो जल आया है उससे नगर वासियों को पर्याप्त जल मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप बिशनपुर आइए, आपको निमंत्रण है सबकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी देती हूँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी देती हूँ। आपके प्रयासों से सब सफल हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।